इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में। आपको बता दें अभी तक 14 व्यक्ति ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, हालांकि एक व्यक्ति कार्यवाहक के रूप में भी काम कर चुके हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे वीडियो के अंत में। पहले सबसे पहले हम लोग सभी मंत्रियों के बारे में यानी प्रधानमंत्रियों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी गुलजारीलाल नंदा और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बतलाने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। 16 साल 286 दिन इनका कार्यकाल रहा, 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। जिनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 27 मई 1964 में। क्वेश्चन नंबर टू, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी गुलजारीलाल नंदा और ऑप्शन सी चरण सिंह और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। मैं आपको बता दूं इनका कार्यकाल जो रहा वो 1 साल 216 दिन तक ही इनका कार्यकाल रहा और 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक ही ये प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए दिए गए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी और ऑप्शन सी चंद्रशेखर और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थी और इनका एक कार्यकाल जो था वो 11 साल 59 दिन का था और मैं आपको बता दूं 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक रही। इनका जन्म 14 नवंबर 1917 में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए दिए गए चरण सिंह और ऑप्शन बी मोरारजी देसाई और ऑप्शन सी राजीव गांधी और ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 2 साल 126 दिन तक रहा और 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक ही इनका कार्यकाल रहा। इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 10 अप्रैल 1995 में। भारत के पांचवे प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिए गए चरण सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी राजीव गांधी और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चरण सिंह भारत के पांचवें प्रधानमंत्री थे। 170 दिन तक ही इनका कार्यकाल रहा, 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ही ये कार्यकाल रहा इनका और इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 29 मई 1987 में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बना था? ऑप्शन दिए गए इंदिरा गांधी और ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी सिंह और ऑप्शन डी चंद्रशेखर। यानी एक व्यक्ति जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बना वो इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। जो दूसरा इनका कार्यकाल था वो 4 साल 291 दिन का था। कब से कब तक था? तो 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक, क्योंकि इनका 31 अक्टूबर 1984 में हत्या कर दी गई थी इन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत के छठे प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव और ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी। छठे प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। इनका कार्यकाल 5 साल 32 दिन तक रहा, 31 अक्टूबर 1984 से लेकर
2 दिसंबर 1989 तक। इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 21 मई 1991 में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के 7वें प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिए गए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रताप सिंह और ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इंद्र कुमार गुजराल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल 343 दिन का रहा और मैं आपको बता दूं 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक ही ये प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म 25 जून 1931 में हुआ था 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 8वें प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, बी इंद्र कुमार गुजराल और ऑप्शन सी चंद्रशेखर और ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर, यानी 8वें प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 223 दिन तक ही था और इनकी 10 नवंबर 1990 से लेकर और 21 जून 1991 तक ही ये प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म 17 अप्रैल 1927 में हुई थी और इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2007 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के 9वें प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल और सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी एसडी देव गौड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीवी नरसिम्हा राव, भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 4 साल 330 दिन था, 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक ये प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म 28 जून 1921 में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव और ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल और ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी। मैं आपको बता दूं ये 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। चलिए जानते हैं, 1 बार 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे जिनका कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक ही रहे और दूसरी बार 6 साल 64 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने जिसका कार्यकाल था 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। और मैं आपको बता दूं इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के 11वें प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए एसडी देव गौड़ा और ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल और ऑप्शन सी मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी पीबी नरसिम्हा। राइट आंसर होगा एसडी देव गौड़ा ऑप्शन नंबर ए। और इनका कार्यकाल 324 दिन का था, 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक और इनका जन्म हुआ था 18 मई 1933 में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल और ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र कुमार गुजराल, ये 12वें प्रधानमंत्री थे भारत के। मैं आपको बता दूं इनका कार्यकाल 332 दिन का रहा और ये 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक ही ये प्रधानमंत्री रहे जिनका जन्म 4 दिसंबर 1919 में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 नवंबर 1912 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए दिए नरेंद्र मोदी और ऑप्शन बी मनमोहन सिंह और ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव और ऑप्शन डी इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मनमोहन सिंह थे जो 13वें प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 10 साल 4 दिन तक था। और मैं आपको बता दूं 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे और इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 में। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है, यानी जो वर्तमान में है? आप जानते भी हैं मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी और ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी
अमित शाह, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वही वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ये अब तक वीडियो बन रहा है जब तक इनका कार्यकाल 8 साल 6 दिन हो चुका है और ये 26 मई 2014 से हैं और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था। अब जानते हैं गुलजारीलाल नंदा के बारे में, जो कि कार्यवाहक के रूप में रह चुके हैं, जो 2 बार रह चुके हैं 13 और 13 दिन के लिए। पहली बार 27 मई 1964 से लेकर 9 जून यानी 1964 तक रहे थे। दूसरी बार 13 दिन के लिए ही कार्यवाहक के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, जो कि 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक ये रहे थे। इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1898 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 15 जनवरी 1998 में। तो यही था आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।